प्ले और डायलॉग ना हो तो हमारी फिल्में बनी ना सके। जितनी भी आपने बड़ी बड़ी फिल्मों का नाम सुना है जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, जैसे कि मोहब्बत से लेकर मुगले आजम तक, बाजीगर से लेकर बजरंगी भाईजान तक, जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं जिन्होंने भी वो करोड़ों का माल कमाया है, पैसा कमाया है, वो क्या सॉरी हाँ इरफान भाई बैठिए ना क्या, अरे एक माइक दो इरफान भाई को दो, कहाँ जा रहे हैं आप इरफान भाई, एक मिनट रुके, अरे वेट ना व्हाट हैपेंड, जाने दीजिए यार इरफान भाई, व्हाट अप, हेलो, लीव इट यार, लीव मतलब what, मैं पतंगबाजी छोड़ के यहाँ आया, थोड़ा आपका आपने बुलाया, मैं आया इसलिए आया, थैंक यू, आप वही सिमिलर, क्या क्या हुआ इरफान भाई, नहीं आपने अपनी फिल्मों का, अपनी तरह की फिल्मों का बुफे लगा दिया, व्हाट अबाउट आवर लंच बॉक्स, आपकी फिल्में फिल्में, हमारी फिल्में क्या है, वड़ा पाव, नहीं ऐसा नहीं है इरफान भाई, ऐसा कहां बोला मैंने, हमने भी लाइफ वाली फिल्में की है, राइट right? हमने भी लाइफ वाली फिल्में की हैं, लाइफ इन अ मेट्रो, लाइफ ऑफ पाई, आनंद फैंटास्टिक लाइफ ऑफ पाई, अब क्यों गुस्सा हो रहे हैं, अभी इधर गुस्सा मत, नहीं मैं ऊपर ऊपर क्या करूंगा, नहीं आना है, आप ही संभालिए ऊपर, नहीं कितना अच्छा पहना हुआ है सबका, आइए प्लीज, आइए दो मिनट ऊपर आए, प्लीज ऊपर आके बात कर लेंगे, हाँ ऊपर आए, एनीवे प्लीज कम, लेडीज एंड जेंटलमैन सॉरी फॉर दिस इंटरजेक्शन, आई एम रियली सॉरी पर्टिकुलरली फॉर दोज हु बॉट टिकट्स और EMI, प्लीज किस्तें बढ़ते रहिएगा, ये मूवी स्टार्स को देखने के चक्कर में लोगों के गाड़ी घोड़े ना बिक जाएं। हाय इरफान खान भाई, यहाँ जाओ, थैंक यू, आ जाओ, अब बोलिए क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्यों आप ऐसे, आपने मुझे बुला लिया यहाँ, हाँ कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्हाट किया ना इंट्रोड्यूस, और कितना इंट्रोड्यूस करूँ, आपने कर दिया इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन हुआ ना, इरफान खान लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, क्या क्या इंट्रोडक्शन किया आपने, मैं कहा इरफान खान लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, जब आप आते हैं तो लाइट्स, LED में एंट्री, वॉइस ओवर जो कभी ओवर ही नहीं होता है, खानों के खान, किंग खान, शाहरुख खान पधार रहे हैं, बादशाह डॉन, बाजीगर डॉन, अरे इरफान भाई डॉन दो बार बोल दिया आपने, तो दो बार किए ना आपने, आई नो मैं सेम पिक्चर करता लेता हूँ, लेकिन आपको LED की क्या जरूरत है, हम आपसे इंस्पायर होते हैं जब भी हमको रियलिस्टिक एक्टिंग करनी होती है, अब वो बात अलग है कि कमर्शियल फिल्मों में हम थोड़ा बहुत छिछोरापन डाल देते हैं, दैट्स ऑल, थोड़ा बहुत नहीं मतलब बहुत थोड़ा लेकिन आप बताए ना, कभी कभी जब आप सीन कर रहे होते हैं तो आपके दिल में भी आता होगा ना, लो एंगल एक एंट्री हो, कुछ डिशुम पिशुम हो, कहीं ना कहीं आपको भी सीन को कमर्शियल बनाने की लालसा तो होगी ना, बहुत, उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन तो मैं इंस्पायर होता रहता हूँ, मैं रोज एक्ट भी करता हूँ उस तरह से, और मैंने आज ये भी बनाया है, मैंने कहा आज फिल्म फेयर है, आज तो दिखा दूंगा मैं, फिल्म फेयर वालों से एक गुजारिश है कि इन्होंने इतनी कैटेगरीज इन्वेंट की हैं, तो एक कैटेगरी और इन्वेंट करें, एवी बेस्ट एक्टर इन AV, तो मैं चाहूंगा कि पहले आपकी क्लिपिंग दिखाई जाए, उसके बाद मेरी क्लिपिंग दिखाई जाए, मेरी फिल्म पे बनाया आपने, मैंने आपकी फिल्म पे बनाया मोहब्बतें पे, मुझे पसंद आई थी, मुझे लगा बहुत पैसा मिला है आपको, आपने कुछ कराया नहीं उसमें, सिर्फ स्वेटर ऊपर डाला और वायलिन बजाया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इरफान भाई ने एक AV बनाया है, AV बेस्ट AV, देखते हैं इन्होंने कोशिश की है कि कमर्शियल सिनेमा वालों को बता सकें कि कमर्शियल एक्टिंग क्या होती है, कैन वी प्ले द AV, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, अब मेरा वाला, हाँ प्लीज मेरा वाला इरफान भाई का दिखाई,
लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की थी दीवानी सी भैया, बेगानी सी मस्तानी सी, एक नाले पे नल के नीचे एक लौंडे को पत्र लिखा करती थी। कुछ कहना था उसको भैया, मतलब कि मतलब भैया नहीं कहना था, कुछ कहना था उसको। जब भी पंचायत की बैठक में मिलते यही पूछा करती थी, यही पूछा करती थी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने, अरे बंद करो यार ये फूल पत्ती, क्यों मारा? वाओ क्या बात है, क्या बात है इरफान भाई, कमाल है। मतलब यार थैंक यू वेरी मच, मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझको। और आपने जो ये नई कैटेगरी की है ना, उससे मैं भी बड़ा प्रेरित हो चुका हूँ कि एवी वाली जो कैटेगरी है मैं चाहूंगा इसमें मुझे अवार्ड मिले, बाकी सब जगहों पे मिला। तो मैंने भी एक छोटा सा एवी बनाया है। आपने भी बनाया? मैंने बनाया, मैं भी इंस्पायर हो गया एकदम। क्रिटिक अवार्ड तो हमारे लिए छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं छोड़ूंगा कैसे, ऐसे किसी को नहीं छोड़ूंगा मुंबई में मैं। लेकिन आपकी ही फिल्म पे बनाया है, आपकी फिल्म जो है पीकू उस पर आधारित है। पीकू के पीके, छोड़ना पीके को यार। पीकू एकदम पीकू। अच्छा मैं दिखाता हूँ, पहले इरफान भाई वाला पीकू फिल्म जो कमाल की फिल्म थी, और उसके बाद मेरा वाला। प्लीज पुट द एवी फॉर पीकू। मेरा वाला, ये हमारा पेट है। हाँ। इसमें इंटेस्टाइन ऐसे 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 जा रहा है, ये देख। और जब आप ये ऐसे बैठते हैं तो पेट में प्रेशर आता है, और फिर पाइपलाइन में जितना वेस्ट मटेरियल है ना, वो धीरे धीरे तुम लगाने की जरूरत ही नहीं, काम अपने आप हो जाता है। अब मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला। ओके Let's see. हेलो रीडर, पॉटी हमेशा इंडियन स्टाइल में करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। बड़ा सिंपल है सेनोरिटा, मैं समझाता हूं। जब जब पॉटी का मन वाला आ गया, लुंगी को उठाना पड़ेगा, फिर टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकलना जाए और हो जाए मैस। सेनोरिटा थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा गुनगुनाना। कभी ज्यादा कभी कम, फिर इसके बाद? अरे फिर उसके बाद क्या, देखते देखते गीली गीली गलियों से अनदेखा अनजाना वो पहला, उसका निकलना जरूरी। क्योंकि वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, और फिर छन से उसका करना। जी नहीं छन। और जादू तेरी नजर का तो पता नहीं भैया, लेकिन खुशबू तेरा बदन यू। देखा आपने, क्या बात है, नहीं नहीं आपकी भी क्या बात है, नो लवली फैंटास्टिक, क्या बात है, नो ब्रिलियंट, वेरी गुड वेरी गुड। यार डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। मुझे भी ऐसा लग रहा है इरफान भाई, जहां पर हमें वहीं पर हम दोनों ठीक हैं यार। एक्चुअली मैं वहीं ठीक हूँ, अपने मैं हाथ फैलाता रहा यूं करके, और मैं वहां के मटकाता रहा थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली कॉन्टेंट जो हमारी स्क्रिप्टिंग होती है वो किंग है। इज द किंग, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द ऑडियंस फॉर एनकरेजिंग अस टू मेक एंगेजिंग इंटरेस्टिंग सिनेमा। थैंक यू, जय हो। एब्सोल्युटली, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टू ऑनर दिस वंडरफुल पार्ट ऑफ अ सिनेमा, वी आर गोइंग टू अनाउंस द नॉमिनीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मी एंड इरफान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इरफान भाई फॉर डूइंग दिस वंडरफुल। थैंक यू। The Britannia Filmfare Award for the Best Screenplay. To present this award, we would like to invite on stage Mr. Sujoy Ghosh and Huma Qureshi. Thank
Good evening, everyone, and the film fair for best screenplay. Everyone's favorite, Juhi Chaturvedi for Piku. Oh. जी फैंटास्टिक. आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे आप? जी जी बिल्कुल. आपकी इससे पहली लिखी हुई फिल्म थी विकी डोनर. जी. और अभी आपने लिखी है पीकू. तो आपकी सारी फिल्में बिलो द बेल्ट क्यों हैं? मतलब क्या है, मतलब थोड़ा ऊपर भी लिखेंगे कि वहीं उधर ही बॉडली? सोच रही हूं अंडर आर्म स्वेट. बेल्ट के ऊपर का सारा हिस्सा इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, तो बेल्ट के नीचे का हमें मिलना चाहिए कम से कम. I'm truly honored. Thank you so much, Filmfare. And thank you, Sujoy, and thank you, Huma, also. हमारा जो अगला अवार्ड है वो है for best dialogue. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर अर्जुन कपूर एंड परिणीति चोपड़ा. The winner for best dialogue is Himanshu Sharma for Tanu Wed Manu Returns. Thank you very much, Himanshu. Thank you, Pariniti. Thank you, Arjun, for doing the honors. Next is the award for best story. Aur is award ko present karne ke liye hum aamantrit karna chahenge Shri Kunal Kohli ji ko and Kajal Agarwal. Kajal, would you like to do the honors? Best story, year 2015. V. Vijayendra Prasad for Bajrangi Bhaijaan. Thank you, Vijayendra Prasad ji. Bahut bahut dhanyabad. Shukriya. Congratulations. Thank you, Kunal. Thank you, Sharp. Thank you, Fun. ये सारे अनाउंस आपने कर दिए अवार्ड, मुझे पैसा मिलेगा इसका? नहीं नहीं, आप तो रियलिस्टिक फिल्म मेकर हो ना, आपको पैसा क्यों मिलेगा? आप मेहनत करते रहो, आप जाओ. जेंटलमैन इरफान भाई यहाँ पर आए, पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आके मुझसे को होस्ट किया. प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इरफान भाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद. आइंदा से मेरा इंट्रोडक्शन ठीक से करना है. ऐसा मत बोल के जाओ इरफान भाई. एक मिनट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इंट्रोडक्शन करूंगा इरफान भाई की. लाखों दिलों की शान, हमारे देश की आन बान, जुरासिक पार्क की इंटरनेशनल पहचान, इरफान खान. Thank you once again, Irfan bhai. Thank you very much, boys and girls. Thank you for being such a sport. Thank you very much. And now, जो अगले performer आपके सामने आने वाले हैं, वो country की teen sensation हैं. उनके style के चर्चे Twitter trends शुरू कर देते हैं. उनकी cuteness Instagram पर hashtag बनकर छा जाए. Put your hands together for my favorite, Alia Bhatt. सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार. Oh.
मेरा नाम क्या है? आलिया. आलिया व्हाट? भाट. हाँ, तो जब मैं छोटी थी ना, एवरीबडी न्यू मी एज महेश भट्ट डॉटर, स्कूल में भी. एंड एक्चुअली आई वॉज फेमस ओनली बिकॉज महेश भट्ट हैड द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड. तो क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड, इज द राइट एटीट्यूड, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट चाचू इफ यू आर हियर, चाचू मोहित सूरी, इमरान हाशमी, पूजा भट्ट, ऑल्सो सोनी भट्ट, बिकॉज यू गिव बर्थ टू मी, दिस वन्स फॉर यू. तेरे दर पर सनम चले आए, तू आया तो हम चले आए.
हाँ जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक और बात है जो मुझे आप रोकना यार, ये क्यों हम ऐसा टेक्निकल गलतियां क्यों करते रहते हैं, प्लीज मत करो ऐसा यार। ओके, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि इस शो को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो नॉमिनेशंस हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, कैन समबडी प्लीज चेक दिस गाइस, या ओके। सो एज आई वाज सेइंग, मैं खुद भूल गया क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे के नॉमिनेशंस आपको बताएंगे उसके।